मैं उछली छोलवा के लाग रही हूँ लहसुन खूब सारो। क्या खाते छोले भाई लहसुन? तेरा काम करे। मेरे काम करना है भाई, मेरी हेल्प करे। काल तो को दिन को नहीं। काल तो उन दिन। काल तो आपका तो। मेरी तो होनी भाई। तो सुचिता की। सुचिता तेरी मम्मी है तो ना। भाई मेरा तो मुंह बिल्कुल मत होने खाऊं। लहसुन जो को मैं बार छोलो और मिर्ची 6-7 मिर्ची जो मैं भिगो दी ही थोड़ी देर पहले और एक ले लियो काज आधो काचरो ले लियो और वो नमक ले लियो तो पहले माँ मिर्चा का बीज काट के गेनी है क्या है सगला काटना जरूरी कौन है माँ तो मिर्चा थोड़ी देर तोड़ की इस हिसाब से बाटा के ऊपर गेर ले सा माँ सो क्यों काचरो कूचरो सो क्यों सागे गेरूंगे है माँ है लहसुन अरे नमक तो मिर्चा का साग डाले से अब नमक मनी को तो नॉलेज को नहीं तो आज मैं माँ ने पूछ पूछ करूँ है माँ पानी गेरूंगी यही बंटती सी अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी भी अपन सगे सगे डाल लो इसी तो मिर्च हम थोड़ा सा पानी डाल दी से मान पीस से ये भी पीसते हुए ठीक है अरे देखो हर काम में छवि को पंचायती करना जरूरी होती है उसके किया बिना तो कुछ होता ही नहीं है काम हमारा मिर्ची तो बहुत है तो मिर्ची है तो ये छोड़ो लाओ मम्मा को तो ना नमक डाल दिया मम्मा और अति मिर्ची मारी देखी तो बाटा गई चिपकी मिर्ची तो हो गया काट हो गया काट हो गया तो पूरा गया तो वो ज्यादा तो क्यों जाओ वो तो और अभी मैं काचरो भी गेर दियो आधी बंडगी भी के बाद में और अभी मैंने लहसुन और लहसुन भी डाल दी सर इसमें सारी चीज डालनी होती है हाँ इसमें सारी चीज डालनी होती है क्यों इससे अच्छी लगती है ना मैं तो खाऊंगी भाई आप खाओ हाँ बहुत हमी चीज है लाओ खा लो अब अभी मत खा लेना माओ जल जाएगा रोटी के साथ खाया और आप देखो एक मैं काचरो भी डाल दियो और लहसुन भी डाल दियो ये सब पीस ले से हम और मेरी मिर्ची जी की बन चुकी है चलो थाने दिखा भी दियो कोई दो चार बीज दिखेगा तो ये मत करना की पूरी कौन बनती है बंटी की लगभग दो और ये देखो मेरी मिर्ची पीस के तैयार हो गई थोड़े बहुत बीज तो दिखेंगे एक दो पांच मिर्च देखो अति सारी होगी पीस की देखो एक दो ही काचर का बीज रही है बाकी तो सारी पीस गा तो एक बार थोड़ा सा काचरो डाल दियो लहसुन डाल दियो अति सारी होगी है चलो आज सोचा कि क्यों ना बाजरे की रोटी चूल्हे पर ही बना माँ चक्की चला रखी है तो भी क्या आवाज आ रही होगी बहुत ज्यादा क्या बोल लो तो आज मैं चूल्हे पर रोटी राटी तो कल बनाई को नहीं तो अभी 2-3 दिन से मेरा वीडियो भी को नहीं आ रहा तो खर्चे के बनाया चूल्हा पर कौन बनाई गैस पर बना ली जगह मम्मी रागा है ना जना
दो दिन चूल्हे पर बना पाई ना मैं जब मिर्च मिर्च बांटी बाद में रोटी को बनाई और बांग सागे मम्मी छवि भी है ना मम्मी पापा जी जीजी तो आया बांग सागे चली गई कारंग है ले गया वो तो हाँ तो आज मैं भी जाऊँ हाँ तो मैं भी जाके वो चार पांच दिन कारंग है फिर रोटी अच्छी माँ कर ठीक है तो ठीक है तो भाई ना माँ के कह तेरे थेलो लेर मत उड़ जाई ना एक कोई एक थैली घुमा गाल तेरा कपड़ा तेरे ट्रोली ट्राली मत ले उड़ जाई ना मन विश्वास कर बाद में हो जालो छोरी आवली को नहीं उठी जब मैं ठीक है माँ को लेके जाऊँ जे रख के जाऊँ छवि को बैग भी घुमा लेके जैसे एक दो ड्रेस लेके जाऊँ बाकी नहीं जाई जाऊ उठा जैसे चार पाँच दिन ठीक है तो अब गाँव जैसे संतो आई गंदो अब आ रहा जी सी संतो आई अब मेरे गांव का वीडियो देख मन मिल सी ना थोड़ा बहुत व्लॉग और अब छवि को बर्थडे भी आ बड़ा है तो थोड़ी भी की भी तैयारी करनी है भी का वीडियोस भी थाने देख मन मिल सी ठीक है ठीक है मांग ठीक है चलो चला पापा जी आ बड़ा ही लेबा खातर तो भी कौन चला हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और पीछे वाले क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने थोड़े थोड़े दो तीन दिन की क्लिप थी वो छोटी सी और आप लोगों को पता है कि मैं आ गई अभी अपने मायके तो यहाँ आई तो मुझे रिसीव हुआ एक अच्छा सा प्रोडक्ट तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू है वो शेयर किया जाए तो आप लोग भी देखें क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है तो अपनी मम्मी को अपनी बहन को अपनी देवरानी को अपनी सास को अपनी ननद को किसी को भी आप लोग गिफ्ट करना चाहते हो तो आप लोग ये मंगवा सकते हो और अगर अच्छा होगा तब भी मैं आपको अच्छा रिव्यू दूंगी अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं झूठी तारीफ वारीफ नहीं करेंगे हम लोग अगर अच्छा होगा तो ये आप लोगों को बताएंगे तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं तो मुझे रिसीव हुआ है जूक का एक फुटवेयर तो सबसे पहले इसमें आया है एक ये चार्ट फुट चार्ट जो होता है वो आप में मतलब ऐसे होता है कि अपने को पता नहीं चलता भाई अपने पैर का साइज क्या है अपन कैसे ऑर्डर करें तो इसके ऊपर 15 पैर रखेंगे और यहाँ पे 36 यहाँ पे 3, 4, 5 ये साइज भी है और इधर 36, 37, 42 तक यहाँ पे साइज है तो अपन अपना फुट रख के इसके ऊपर अपना मेजरमेंट है वो कर सकते हैं तो उसके बाद जो हमारे फुटवेयर है वो भी निकालते हैं चन्चना। ये देखिए इतने सुंदर से फुटवेयर हैं और जो ये जूक जो ब्रांड है ये जो मेड इन इंडिया है और जो इसके प्रोडक्ट होते हैं प्योर लेदर के बने हुए होते हैं और 100% वेगन प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये जो मुझे देखो इस तरीके मुझे वो मिला था कि 3-4 कुछ प्रोडक्ट थे उनमें से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था मुझे ये पसंद आया था तो इसका ये फोम देखो ऊपर वाला कितना सॉफ्ट है एकदम फोमी है ऐसे नहीं कि हार्ड जो होता है ना वो नहीं है एकदम सॉफ्ट है जो पैरों में किसी को वो हेडी जो होती है उनमें दर्द होता है तो उसके लिए भी सही रहता है दर्द नहीं होगा ये पहनने के बाद और आप इसको साड़ी सूट वगैरह में पहन सकते हो तो चलिए आप लोग वो एक बार पहन के भी दिखा देते हैं ये देखिए ये डिज़ाइन है इसका तो ये देखो चलने में भी बड़ी कंफर्टेबल है ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है ये नहीं कि भाई कुछ हार्ड चीज़ अपन ने पहन रखा है बहुत सॉफ्ट है इसका लेदर जो है वो बड़ा घनी जोर बोलूंगा तो माइक करनी ना वो तो बंद कर बस तो साड़ी घुमाई अच्छी लगे बहुत कंफर्टेबल है मम्मी बहुत ही जोर है ना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना ऊपर हाँ बढ़िया बढ़िया लग रही है ना हाँ देखो साड़ी के ऊपर भी अच्छी लग रही है साड़ी के ऊपर भी पहन के जा सको स्कूल वगैरह में भी हाँ। तो मम्मी आप स्कूल जा रही बाय बाय और आपको जू के ऊपर ये जरूरी नहीं कि आप यही पसंद करो बहुत सारी वैरायटी है आपको बेलीज भी मिल जाएंगे पेट्स में भी और बहुत सारी वैरायटीज आप लोगों को मिल जाएंगी तो आप वहाँ पे पसंद कर सकते हो अपनी पसंद से उसकी जो वेबसाइट है वो और जो इंस्टाग्राम का उसका लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको मेरा जो कूपन कोड है जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नीचे आ रहा होगा उसको आप लोग यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप लोग जाके जरूर विजिट कीजिए और मेरे को भी कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना मेरे वीडियो को और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना और हमारे यहाँ पे आ गए पिकॉक जी ये देखिए फेदर वाले फेदर लगा के